इंटरनेशनल ब्रेक चाहे जितना भी बदनाम हो, फुटबॉल आपको बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। तो हियर आई एम वंस अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस विद योर बॉय मार्क करूनी। और आज की वीडियो में कुछ ज्यादा ही है भाई कवर करने को, चाहे वो फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वालिफिकेशन हो या वो ट्रांसफर न्यूज हो। लाइक मैं रोज उठता हूँ और एक ऐसी ट्रांसफर न्यूज देखता हूँ जिसके बाद मेरा रिएक्शन होता है कि ये क्या हो रहा है। पर सारी बातें कवर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई हैव अ स्पेशल मैसेज। मुक्तेश, अभी अभी तूने फीफा खरीदा है, मैंने देखा, और तूने अपने भाई को भी हरा दिया 3-2 बायर्न म्यूनिख लेके। गुड परफॉर्मेंस, अच्छा खेला तू, लेकिन आई एम कमिंग फॉर यू बॉय। माय डियर बाबा, फुटबॉल यूट्यूब कम्युनिटी के कटप्पा, नो वंडर आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन देख के जेलस होते होंगे। लाइक ऑब्वियस सी बात है ये तो। एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, क्योंकि आप जितना मर्जी अच्छा फुटबॉल खेलते हो, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट आई एम अ फुकिंग लेजेंड और ऑल्सो अ नूब। लाइक हाँ ठीक है, एक ऑब्वियस सी बात है कि शायद से मैं आपसे हार जाऊँ, बहुत बड़ा चांस है, बट स्टिल मजा जरूर आएगा। तो आई एक्सेप्ट योर चैलेंज एंड टाइटन योर डाइपर्स बिकॉज आई एम कमिंग ऑल आउट। चलो भाई वापस फुटबॉल पे आते हैं। तो भाई शुरू करते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से, और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सीरियसनेस लेवल पे था भाई जब रोनाल्डो वेंट टू द क्वालिफायर द वर्ल्ड कप एंड कुडंट क्वालिफाई डायरेक्टली इनटू इट। और उस सब की डिटेल्स में आपने बहुत चैनल्स पे देखा होगा, मैं वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी गाइस। बट यस, एक गोट को तो थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ेगा फॉर द वर्ल्ड कप, बट हमारे दूसरे गोट जी लायनल मेसी हैज क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप आफ्टर ड्रॉइंग विद ब्राजील। 0-0 का स्कोर था और शुक्रिया, अच्छी बात है यार मैं सुबह नहीं उठा, वरना कतई मैं तो बोर हो जाता। द मेसी एंड को यानी अर्जेंटीना हैज क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप फाइनली ब्राजील के बाद। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से क्वालिफाई करने वाली ये दूसरी टीम है। और अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो हमें देखने को मिल सकती है, दैट इज ऑफ उरुग्वे। बट अभी क्योंकि और भी काफ़ी सारी गेम्स बाकी है, तो गिविंग एनी टाइप ऑफ प्रिडिक्शन वुड बी वेरी फुलिश। लेकिन एक और टीम है जिसने शायद से डिसअपॉइंट कर दिया, एंड दैट इज इटली। नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ 0-0 ड्रॉ होने के बाद इटली भी डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाई फॉर द वर्ल्ड कप, एंड दे विल ऑल्सो हैव टू प्ले इन द प्लेऑफ्स। किसने सोचा था लाइक द यूरोपियन चैंपियंस, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पोर्चुगल बींग अ डिसअपॉइंटमेंट, तो यार दिस इज इटली। दोनों ही टीमों के लिए भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था मैं सच बोलूं तो। बट यस, बोथ ऑफ द टीम्स विल नाउ हैव टू प्ले इन द प्लेऑफ्स, और ये कहीं ना वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन की रेस को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू, आउट ऑफ द 12 टीम्स प्लेइंग इन द यूरोपियन क्वालिफिकेशन सिर्फ 3 टीमें आगे जाएंगी। तो इट इज लाइक अगर तुम कर रहे हो ना कि पोर्चुगल और इटली सेम ब्रैकेट में नहीं पड़ते किसी तरह, होपफुली अगर सेम ब्रैकेट में पड़ गए तो उन दोनों में से कोई एक ही जाएगा फॉर द वर्ल्ड कप भाई साहब। बट वर्ल्ड कप की बात ही चल रही है तो एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंगली बता देता हूँ कि इंडिया चाहे क्वालिफाई करे ना करे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, इंडियंस उससे पहले जरूर कर जाएंगे। हाँ, अगर आप सोच रहे कि भाई मैं क्या बातें कर रहा हूँ फालतू की, तो कैनेडा इज करेंटली लीडिंग द कॉनकॉफ टेबल जो नॉर्थ अमेरिकन टेबल है फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। और यार कैनेडा तो जिस हिसाब से मेरा हर कोई दूसरा दोस्त हर तीसरे दिन कैनेडा जा रहा है, तो लाइक थोड़े दिनों में मैं देख रहा होगा भाई, मैं शौक नहीं होऊंगा अगर आधी कैनेडा की स्क्वाड इंडियन से भर रखी है। टैलेंट है हम लोगों में, दिखाने का मौका मिल जाएगा। बट हाँ, मेक्सिको से जीतने के बाद कनाडा तो टॉप पे पहुंच गई है, लेकिन मेक्सिको के चांसेस कम हो गए फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, एंड दिस इज अनदर बिग डील। लाइक यार इट इज मेक्सिको इन द एंड, और अगर यू आर हैव एनी आइडिया फुटबॉल के बारे में तो यू नो हाउ बिग मेक्सिको इज व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप। भाई मतलब उनकी प्रेजेंस इज डिफरेंट, उनकी किट्स देखी है तुम लोगों ने, उनकी जर्सीज देखी है, यार दीवाना रहता हूँ उनकी जर्सीज का। वर्ल्ड कप न्यूज से आगे बढ़ते हैं भाई थोड़े से ट्रांसफर टॉक्स के ऊपर, तो क्योंकि एज आई सेड रोज सुबह मैं उठता हूँ और एक कोई ऐसी ट्रांसफर न्यूज देखता हूँ जिसको देख के मैं सोचता हूँ भाई मतलब ये चल क्या रहा है, ये लाइक हाउ इज दिस इवन अ पॉसिबल ट्रांसफर न्यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद साला के बारे में। भाई साला इज अ टारगेट फॉर एफसी बार्सिलोना, एंड सारी न्यूज़ का अभी तो कहना है कि भाई बार्सिलोना आर सीक्रेटली प्रिपेयरिंग फॉर अ मूव फॉर मोहम्मद साला। एंड ऑल आई थिंक इज कि हाउ, लाइक हाउ आर दे गोइंग टू बाय मोहम्मद साला इन सच कंडीशंस। लाइक ओके, मोहम्मद साला इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड,
बट यू आर नॉट करंटली इन द बेस्ट फाइनेंशियल स्टेट। एंड सारे लीडिंग न्यूज सोर्सेज का ये कहना है कि भाई मोहम्मद साला इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ शावी। लाइक उसका कहना ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मुझे साला चाहिए। एंड कहीं ना मुझे इस डेस्पिरेशन के अंदर कुछ गलत तो नहीं लग रहा। भाई साला यार, वो कोई भी टीम डेस्पिरेशन दिखाएगी, कोई भी मैनेजर डेस्पिरेशन दिखाएगा। बट द थिंग इज कि बार्सिलोना रेडी टू गिव 5 players एज अ स्वॉप डील फॉर साला, और ये इज अ पॉसिबिलिटी। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। लाइक हमने लास्ट सीजन देखा और हम इस सीजन भी देख रहे हैं कि लिवरपूल इंजरीज की वजह से कितना ज्यादा सफर कर रहा है, और अब तो ये लिस्ट और ज्यादा बढ़ गई है। एंडी रॉबर्टसन भी यूरोपियन क्वालिफिकेशन के टाइम पे इंजरी होने की वजह से कुछ वीक्स के लिए आउट हो चुके हैं। एग्जैक्टली कितना आई हैव नो आइडिया फॉर नाउ। अ ह्यूज लिस्ट ऑफ इंजरीज इस सीजन भी, पिछले सीजन में उनके टाइटल चांसेस इसी वजह से इफेक्ट हुए थे। एंड इस सीजन दे स्टार्टेड ऑफ सो वेल, ऐसा लग रहा था कि भाई दे माइट have a proper chance on the title, but अब ये चीज slip करती दिखेगी हमें फिर से last year की तरह, क्योंकि भाई players का है, और क्योंकि Barcelona उनको 5 players तक offer करने को ready है for a swap deal। भाई Barcelona के पास ऐसे बहुत सारे player हैं जो उनको नहीं चाहिए, लाइक सीरियसली नहीं चाहिए, बट बाकी टीम्स को चाहिए हो सकते हैं। तो Barca इस चीज का फायदा उठा रही है। एंड आई वोंट बी शॉक अगर ये चीज हो जाती है। मैं फुटबॉल के वर्ल्ड में ना अब शॉक होना बंद हो चुका हूँ, मैं कुछ भी हो सकता है। बट एक ऐसा एग्जिट है बार्सिलोना का जो मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, एंड दैट इज फ्रेंकी डी योंग। जी हाँ, अगर आप अभी तक इस न्यूज से फेमिलियर नहीं थे, तो फ्रेंकी डी योंग माइट नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद बार्सिलोना। एक ऐसा ट्रांसफर जो मुझे लग रहा था लाइक फ्रेंकी डी योंग मेरे लिए was player who is going to retire at Barcelona। मेरे को ऐसा लगता था कि he is a player made for Barcelona, he is a player which is born and bred for Barcelona। Like हाँ, वो Barca की academy से नहीं आया, but Ajax it is like भाई। And the biggest reason behind this is, जो मेरे को possibility लग रहा है, is कि Frankie de Jong is the highest valued player in La Liga। भाई 90 million euros market value है Frankie de Jong की, और Barcelona जिनको और ज़्यादा transfers के लिए पैसे चाहिए, they are prioritizing other places except their midfield। तो it is like, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके midfield के पास already इतना ज़्यादा talent है, they are ready to let Frankie de Jong go। और एक और बड़ा रीजन ये भी है कि फ्रेंकी डी योंग हैज़ नॉट बीन एबल टू यू नो प्ले वेल अप टू हिज स्टैंडर्ड्स। जो सोच के उसे लाया गया था उतना भी बढ़िया वो नहीं परफॉर्म कर रहा फॉर बार्सिलोना। बट इसमें यार कहीं ना कहीं मैनेजर की भी बहुत बड़ी गलती थी। अब इसके ऊपर मैं लेके ना कॉमन के ऊपर रैंट नहीं करने वाला, बट द थिंग इज कि मेरे को, क्योंकि फ्रेंकी डी योंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इट इज़ लाइक चाहे वो बुरा भी खेले ना अप अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड्स, इट वो कभी इतना भी बुरा नहीं खेलता कि तुम कहोगे कि उसकी वजह से हम मैच हार गए। बट इन दी एंड इट ऑल डिपेंड ऑन शावी, क्योंकि अभी तक की न्यूज़ ये कह रही है कि शावी इज बिल्डिंग अ टीम अराउंड बुस्केट्स, लाइक बुस्केट्स इज गोइंग टू बी द हार्ट ऑफ दैट टीम। और कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे इट इज लाइक मैं आर्ग्यू भी नहीं कर सकता, बुस्केट्स इज काइंड ऑफ परफॉर्मिंग, क्या ही बोलूँ मैं, मजेदार परफॉर्म कर रहा है व्हेन इट कम्स टू स्पेन और कम्स फॉर बार्सा, दोनों ही जगह वो अपना बेस्ट दे रहा है। एंड ठीक है, बार्सा के लेके वो कभी कभार डाइसी होता है, लेकिन सारे ही प्लेयर्स हो रहे हैं तो मैं एक को लेकर क्या कंप्लेन करूँ। बट फ्रेंकी डी योंग इतना यंग है कि आई डोंट फील लाइक कि उसको ऐसे जाने देना वुड बी सेफ फॉर फ्यूचर, और कहीं ना कहीं ही इज द परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर बुस्केट्स। यार मुझे ही नहीं पता यार, अगर जाने देते ना तो भाई मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बट इन दी एंड अगर उसको ले जा के मोहम्मद साला को लेकर आते हो, एडीएमई को लेकर आते हो, एडीएमई के ऊपर आते हैं, क्योंकि Barcelona are considering a smart move. They are going to let Coutinho go to Newcastle so that they can sign Adeyemi. Adeyemi from RB Leipzig, नहीं Salzburg. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि Adeyemi कितना रेड हॉट है इस वक्त मार्केट में, और Dortmund एक लीडिंग टीम है जो साइन कर सकती है Adeyemi को, बट Barcelona are giving their all out. वो 40 million तक का एक ऑफर देने को रेडी हैं, एंड इसके लिए पैसा they are going to bring in by selling Coutinho. और Coutinho ने पूरा पूरा भाई बता दिया कि ही वॉन्ट्स टू स्टे एट Barcelona, वो चाहता है, और क्यों नहीं चाहेगा भाई, Barca है एट द एंड, और उसकी मुझे नहीं लगता मार्केट में आपको इज्जत है। बट Barcelona बीइंग सेंसिबल इनफ, आई थिंक दे आर गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट टू एग्जीक्यूट दिस मूव। Coutinho एक टाइम पे सबको बहुत पसंद था, अभी भी होगा कईयों को, कहेंगे यार ठीक है और चांसेस दे देते हैं, लाइक ठीक है। बट इन दी एंड वेन इट कम्स टू Barcelona, अब एक स्लोली एक ऐसे लेवल पर जा रही है जहाँ पे उन्हें फ्यूचर के लिए भी बिल्ड करना है, तो Adeyemi इज दैट प्लेयर विच कैन लाइक तुम उसको दे सकते हो, अगले 5-6 साल दे सकते हो, एंड देन यू कैन ईजिली जो भी पैसा तुम उस पर लगाओगे वो उसे निकाल पाओगे। बट Coutinho ऑन दी अदर हैंड, उस पर अभी तक जितना पैसा लगाया गया उसकी फूटी कौड़ी नहीं निकाल पाए।
तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये डील कंफर्म होती है। बट अगर इसके बाद हम बार्सिलोना के राइवल्स की बात करें तो रियल मैड्रिड, भाई दे आर गोइंग टू साइन अ प्लेयर जिसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी। रियल मैड्रिड आर लुकिंग टू मेक एन ऑफर फॉर डोनी वैन डे बीक, और भाई कहीं ना मेरी फटरी होनी चाहिए, डोनी वैन डे बीक और कामाविंगा लाइक फ्यूचर मिडफील्ड क्या बन जाएगी रियल मैड्रिड की। बट लाइक स्टिल आई जस्ट, अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ डोनी वैन डे बीक के ऊपर, भाई उस बंदे का करियर यूनाइटेड पे काइंड ऑफ खराब सा ही हो रहा है, लाइक ऑनेस्टली खराब ही हो रहा है काइंड ऑफ क्या, बट उसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं फॉर जनवरी। फर्स्ट इट इज़ लाइक प्रीमियर लीग मूव, और तीन आगे आ रही है भाई टीमें विच कैन पॉसिबली टेक हिम एज अ लोन, न्यूकासल, एवर्टन, वोल्व्स। ये तीन वो टीमें हैं विच विल मोस्ट प्रोबेबली ईदर बाय और लोन आउट, लाइक लोनिंग की सबसे ज्यादा चांसेस है। डोनी वैन डे बीक फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दिस विंटर, और इसके चांसेस है, बाकी यार कुछ नहीं पता होता कि शोल्जर डिसाइड करे कि भाई नहीं अब मैं तेरे को खिलाऊंगा, बस बहुत हो गया अब ठीक है खिलाएंगे, लेकिन इसके चांसेस मुझे लग नहीं रहे, लाइक ओले नहीं सुधरेगा। बट सबके बीच में रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है विच आई बिलीव शुड बी द बेस्ट मूव फॉर डोनी। लाइक ठीक है एज अ बार्सिलोना फैन मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं रहूंगा क्योंकि डोनी इज एन अमेजिंग प्लेयर, बट इट वुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन यार, मजा आ जाएगा देखने में। एंड एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट कि यार वो एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो ही गिव्स हिज बेस्ट और उसका बेस्ट फुटबॉल निकले। और रियल मैड्रिड से मैं एक और प्लेयर की बात करना चाहूंगा बिफोर द वीडियो एंड्स, एंड दैट इज सर्जियो रैमोस। हाँ ठीक है, एक्स रियल मैड्रिड लवर कह सकते हो तुम, बट सर्जियो रैमोस का फाइनली डेब्यू हो सकता है भाई फॉर पीएसजी, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ग्रैंड मैच वर्सेस मैन सिटी। तो भाई ये रैमोस सागा ना फाइनली खत्म होने को आ सकता है एट अ गुड एंड, लाइक क्योंकि हमें लग रहा था कि रैमोस इज गोइंग टू लीव पीएसजी इवन विदाउट प्लेइंग फॉर देम, क्योंकि ये सारी न्यूज़ निकल रही थी कि भाई पीएसजी का पेशेंस खत्म हो रहा है, दे आर लाइक ओके भाई अब इस बंदे को निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। बट फाइनली रैमोस इज फिट इनफ टू प्ले फॉर पीएसजी और ही माइट मेक हिज डेब्यू फॉर मैन सिटी, अभी तक की न्यूज़ ये है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड भाई, फाइनली देखने को मिलेगा मेसी और रैमोस को सेम टीम में देखने को मिलेगा, एक ही तो रीजन की वजह से देख रहा हूँ मैं पीएसजी के मैचेस, मेसी, दूसरा भी मिल जाएगा अब रैमोस। लाइक ठीक है पीएसजी है एक टीम, ऑल रिस्पेक्ट टू देम, बट यार कम ऑन यार, पहले तो नहीं देखता था ना मैं एटलीस्ट, और कई सारे फैंस ही देखते थे, बहुत ज़्यादा एग्री करेंगे, बहुत सारे लोगों ने पीएसजी के मैचेस इसी वजह से जो ट्रांसफर्स हुए हैं इन सब के वजह से देखने शुरू करे हैं। बट अब ये एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ने वाली है, अभी तक तो सिर्फ बार्सिलोना फैंस देख रहे थे कहीं ना कहीं पीएसजी के मैचेस, अब रियल मैड्रिड फैंस भी देखेंगे श्योरिटी इस चीज़ की। बट एक और बात यह है कि अगर ये डेब्यू अभी भी नहीं होता तो देन इट माइट बी लाइक ओवर फॉर सर्जियो रैमोस, अगर इससे ज़्यादा डिले होता है तो आई थिंक जो बात की जा रही थी ना कि सर्जियो रैमोस के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा इवन बिफोर इट एक्चुअली स्टार्ट्स, लाइक वो खेलना भी शुरू करता है उससे पहले, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहेगा, ये काइंड ऑफ ह्यूमिलिएटिंग रहेगा जो मैं चाहता नहीं हूँ कि होए। लाइक रैमोस वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स ऑफ आर जनरेशन, प्रोबेबली द बेस्ट, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो आई होप कि वो फिट रहे एंड ही इज एबल टू प्ले फॉर पीएसजी, देखने में बहुत मजा आएगा। एंड इसी के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो का, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ देयर इज एनी ट्रांसफर यू वांट मी टू कवर, और आई होप कुछ वैसे छूटा नहीं है मोटा मोटा। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली फीफा वीडियो नहीं देखी है मेरे भाई के साथ तो डू चेक इट आउट ऑन माय चैनल, मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, नीचे लिंक कर दूंगा, देख लेना यार। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ एंड चक दे फट्टे।